So, continuing with the chapter of crop production and management, in basic practices of agriculture, we have talked about preparation of soil, sowing, and adding of manure and fertilizers. तो इन सब के बाद जब सब कुछ आपने बीज डाल दिए, फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए, तो सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है कि बार बार उसको पानी देना पड़ेगा। पानी देंगे तभी हमारे प्लांट्स ठीक से ग्रो हो पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इरिगेशन। व्हाट इज़ इरिगेशन? इरिगेशन इज़ द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब आपको एक फिक्स इंटरवल के बाद पानी देना ही पड़ेगा प्लांट्स को, तभी वो ग्रो कर पाएंगे। तो वो फिक्स टाइम और इंटरवल जिस चीज़ पे डिपेंड करता है, फिक्स टाइम और इंटरवल के कुछ फैक्टर्स हैं, जो कि मेन तीन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है कि वो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप। मतलब एक तरह के क्रॉप को जितने टाइम पे आप या जितनी बार पानी देंगे, ज़रूरी नहीं है कि दूसरी तरह के क्रॉप को भी आप उतनी ही टाइम और उतनी ही बार पानी दें। जैसे कि जो राइस का प्लांट होता है, उसको बहुत ज़्यादा हाई वाटर चाहिए होता है, तो उसके लिए बढ़िया है ज़्यादा पानी देना, बार बार देना। लेकिन अगर आप वीट और मेज़ को बार बार पानी दे देते हैं, तो उसमें वाटर लॉगिंग हो जाता है। वाटर लॉगिंग का मतलब है कि उसके सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर जमा हो जाता है और वो ब्लॉक कर देता है सॉइल के पोर्स को। तो इस तरह उसमें एयर नहीं मिल पाती है प्लांट्स को, या उसमें से पानी को एब्जॉर्ब करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी जो है काफ़ी गीली गीली सी हो जाती है, वहाँ पे पानी अटक जाता है और उसको रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। दूसरा फैक्टर है सॉइल टू सॉइल। अगर कोई सैंडी सॉइल है और कोई क्लेई सॉइल है, आपने सॉइल्स के बारे में पढ़ा है, तो जिस सॉइल में अच्छे से वाटर रिटेंशन हो सकता है, उसमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सैंडी सॉइल है, वहाँ से बार बार पानी नीचे चला जाता है हमेशा, उसमें प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे बार बार पानी देना पड़ेगा। थर्ड फैक्टर होता है सीज़न टू सीज़न। जैसे कि समर्स में ज़्यादा पानी देना पड़ता है प्लांट्स में, क्योंकि उस टाइम पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन मतलब ये है कि सॉइल के सरफेस से या सॉइल के ऊपर जो भी लीव्स वगैरह पड़ी हुई हैं, उनसे प्लांट के लीव्स से भी जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा, उसमें से पानी ज़्यादा जल्दी निकलता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा वाटर लूज़ होता है प्लांट का। तो इसलिए हमें बार बार पानी देना पड़ता है, ज़्यादा पानी देना पड़ता है समर्स में। अब बात करते हैं नीड ऑफ इरिगेशन बाय वाटर, कि भाई पानी देने की ज़रूरत क्यों है हमें इरिगेशन में, इतनी क्या ज़रूरत है पानी देने की? तो पहली बात है टू जर्मिनेट सीड्स। अगर आप पानी नहीं देंगे, अगर सॉइल ड्राई रहेगा, तो सीड्स कभी भी जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। जर्मिनेट मतलब कभी भी वो सीड्स के अंदर का जो पार्ट है, वो कभी भी टूट के बाहर नहीं आ पाएगा सॉइल से, और कभी भी प्लांट नहीं बन पाएगा वो, पानी नहीं होगा तो। दूसरा है फॉर इलोंगेशन ऑफ रूट्स। अगर पानी नहीं होगा तो रूट्स सॉइल में डीपली पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली प्लांट को और पानी नहीं मिल पाएगा। तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स। हमने फर्टिलाइजर्स में पढ़ा था कि फर्टिलाइजर्स आर वेरी सॉल्यूबल इन वाटर। तो जब तक पानी में चीज़ें मिलेंगी नहीं, तब तक वो प्लांट की बॉडी में नहीं जा पाएंगी। तो इसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी हर चीज़ को अपने अंदर मिला लेता है। फोर्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट करेंट्स। जैसे हीट ज़्यादा होगी तो पानी मिलेगा प्लांट्स को तो अच्छा रहेगा। और फ्रॉस्ट में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड जब होती है, तो पानी प्लांट को जमने से रोकता है। तो इसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पानी। फिर है कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कि पानी आता कहाँ कहाँ से है हमारी क्रॉप्स के लिए। वेल्स, कुएं से, ट्यूबवेल्स आपने देखा होगा, पाइपलाइन होती है, उनको खोल देते हैं तो खेतों में पानी चला जाता है, बंद कर देते हैं तो रुक जाता है। थर्ड है पॉन्ड्स। पॉन्ड्स मतलब छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ होती हैं, खेतों के पास में ही लोग बना लेते हैं। फिर है लेक्स। लेक्स मतलब बड़ी सी एक जगह पे ही वाटर बॉडी होगी, लेकिन वो पॉन्ड्स से बड़ी होती है, झील होता है बड़ा सा। फिर है रिवर्स, नदियों से पानी आएगा। डैम्स, डैम्स जो कि बांध होता है, बांध मतलब बड़ी बड़ी नदियों का पानी एक जगह रोक लिया जाता है दीवार की हेल्प से, और फिर उस पानी को इधर उधर खेतों की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, ताकि हमेशा पानी मिलता रहे क्रॉप्स को। फिर है कैनाल्स। कैनाल्स मतलब नहर। नहर मतलब क्या होता है कि रिवर से ही छोटे छोटे, आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे
गड्ढे बनाए जाते हैं या लंबी लंबी गड्ढों के रूप में पाइपलाइन पहुंचाई जाती है खेतों को सीधे, इसे कहते हैं कैनाल्स।